नमस्कार, स्वागत है आपका ओनली न्यू नेशन में। इस वक्त बड़ी खबर, क्योंकि एक बार फिर ट्विटर नजर आया है एक्शन में। राहुल गांधी का अकाउंट बंद करने के बाद अब कांग्रेस का भी सुपड़ा साफ कर दिया है, अकाउंट को लॉक कर दिया है। बता दूं, ट्विटर का एक और एक्शन, राहुल गांधी के बाद अब कांग्रेस का अकाउंट लॉक। पार्टी बोली हम क्या खाक डरेंगे। बता दूं, आपकी स्क्रीन पे बकायदा दिख रहा है कि योर अकाउंट हैज़ बीन लॉक्ड, यानी कि ये कांग्रेस का अकाउंट है। और इसी पर कई बड़े बड़े नेता जो हैं जुड़े हुए हैं, फॉलोअर्स अच्छे खासे हैं, लेकिन ट्विटर ने इस अकाउंट को ब्लॉक कर दिया। बता दूं आपको, राहुल गांधी और कांग्रेस के कई अन्य नेताओं के बाद अब ट्विटर ने कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट को लॉक कर दिया है। कांग्रेस ने गुरुवार को आरोप लगाया कि ट्विटर ने पार्टी के आधिकारिक हैंडल @INCIndia को लॉक कर दिया है। इसकी जानकारी पार्टी ने अपने फेसबुक पेज के जरिए दी है। साथ ही ये भी कहा कि पार्टी और उनके नेता इनसे डरने वाले नहीं हैं। माना जा रहा है कि ट्विटर ने नियमों के उल्लंघन को लेकर ये कार्रवाई की है। सोशल मीडिया कंपनी इससे पहले इसी तरह की कार्रवाई राहुल गांधी समेत कई नेताओं के खिलाफ लगातार कर चुकी है। बता दूं, कांग्रेस ने अपने लॉक किए गए ट्विटर अकाउंट का स्क्रीनशॉट लेकर फेसबुक पेज पर शेयर किया और लिखा है कि जब हमारे नेताओं को जेलों में बंद कर दिया गया, हम तब नहीं डरे, तो अब ट्विटर अकाउंट बंद करने से क्या खाक डरेंगे। हम कांग्रेस हैं, जनता का संदेश हैं, हम लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। अगर बलात्कार पीड़िता बच्ची को न्याय दिलाने के लिए आवाज़ उठाना अपराध है, तो ये अपराध हम 100 बार करेंगे। जय हिंद, सत्यमेव जयते, ऐसा कहते नजर आए हैं राहुल गांधी। उन्होंने कहा, जब हमारे नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया तब हम नहीं डरे, तो अब ट्विटर अकाउंट बंद करने से क्या हम खाक डरेंगे। हम कांग्रेस हैं, जनता का संदेश हैं, हम लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। अगर बलात्कार पीड़ित बच्ची को न्याय नहीं दिया गया, तब तक हम लड़ेंगे। इससे पहले कांग्रेस ने बुधवार देर रात को दावा किया था कि रणदीप सुरजेवाला समेत 5 वरिष्ठ नेताओं के अकाउंट के खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई की गई है। पार्टी ने कहा था कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन, लोकसभा में पार्टी के सचेतक मणिकम टैगोर, असम प्रभारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह तथा महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुष्मिता देव के ट्विटर अकाउंट निलंबित कर दिए गए हैं। यानी कि ट्विटर का बड़ा एक्शन माना जा रहा है, जो हमने आपको दिखाया। अब आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि इनके ट्विटर अकाउंट कुछ ज़्यादा देश विरोधी गतिविधियों में, झूठे फवादों में शामिल थे, इसीलिए ट्विटर ने ये एक्शन लिया है। तो आज ट्विटर का एक्शन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को भी ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि गौरतलब है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पिछले हफ्ते दिल्ली में कथित बलात्कार और हत्या की शिकार 9 वर्षीय बच्ची के परिवार के साथ की तस्वीरें ट्वीट की थी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPR ने राहुल गांधी के ट्वीट को संज्ञान लिया और ट्विटर को नाबालिग पीड़िता की निजता का उल्लंघन करने के लिए कांग्रेस नेता के अकाउंट के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। बता दें कि इससे पहले बुधवार को ट्विटर ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया था कि राहुल गांधी ने 4 अगस्त को किए ट्वीट ने कंपनी की नीतियों का उल्लंघन किया था। उन्होंने रेप पीड़िता के माता पिता के साथ अपनी तस्वीर ट्वीट की थी, इसकी वजह से उनके अकाउंट को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया। ये का पूरा मामला था जो हमने आपको दिखाया। बाकी बने रहें बड़ी खबरों के लिए ओनली न्यूज़ नेशन साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।